सबसे पहली डिमांड है इस वाली वीडियो में रियाद सऊदी अरबिया के लिए, उन भाइयों के लिए जो कि इस तराहे में काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो इस तराहे में ही अभी कैंडिडेट की जरूरत है जिसमें कि ओपन ड्यूटी रहेगी, क्योंकि ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता इस तराहे में। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे इसमें, रूम मिलेगा इस तराहे की तरफ से, खाना रहेगा उसमें स्पॉन्सर की तरफ से। अब जो भाई कहते हैं ना 800 से 900 रियाल का खर्च होता आजकल की महंगाई में, तो 800 900 प्लस 1100 सऊदी रियाल कितने हो गए, 2000 ऑलमोस्ट हो गए। तो 2000 सऊदी रियाल से पैकेज में जो भी भाई आना चाहता उन्हीं के हिसाब से जो ऐसा कहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी इसमें सेले पैकेज 1100 सऊदी रियाल है और उतने की गारंटी रहेगी जिन भाई की ये वीजा, दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की चाहिए। खाना जो है इस तरह की तरफ से मिलेगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है आने के लिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, इस वाली वीडियो में जो है आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट 9536XYZ करके आप नंबर सेंड कर सकते हैं। ये डिजिट जो है आप इंग्लिश में लिख के दे सकते हैं, बहुत सारे भाई दे रहे हैं, बस ये सिंपल सा तरीका कांटेक्ट करने का। अब जो जो भाई रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें चाहिए फ्रेश ग्रिल कुक, और ग्रिल कुक को सेले पैकेज मिलेगा 1500 सऊदी रियाल, और 1500 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी। ये डिमांड है रियाद के लिए। रेस्टोरेंट की तरफ से जो है इसमें रूम मिलेगा, खाना जो है उसमें अपनी तरफ से रहेगा, आपके उनका खाओ जिया था खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फ्रेश ग्रिल कुक को सेले पैकेज मिलेगा 1500 सऊदी रियाल, एज लिमिट बस 21 से लेकर 35 तक की चाहिए। अगर आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट है जो ग्रिल कुक है और वो आना चाहता है रेस्टोरेंट में रियाद के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट कैसे करना मैं स्टार्टिंग में बताऊं, अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा होगा बिना स्किप करके। अब जो जो भाई कहते हैं कि आजकल की महंगाई में 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता है, तो उन्हीं भाइयों के लिए मैं डिमांड लेकर आया हूँ कतर में। कतर में एक फैमिली के लिए जरूरत है एक ड्राइवर की, ड्राइवर को 1500 कतर रियाल सेले पैकेज मिलेगा, प्लस इसमें खाना भी मिलेगा फैमिली की तरफ से, दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे ECR एंड ECNR, रूम मिलेगा उसमें फैमिली की तरफ से। और इसमें कैंडिडेट वो ही चाहिए ड्राइविंग करने के लिए जो GCC से रिटर्न है विद लाइसेंस के साथ। अगर आप में से भी ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके पास गल्फ में किसी भी कंट्री का लाइसेंस है और वो जाना चाहता है कतर के अंदर, तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना वो मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, आप वीडियो को सही तरीके से देखा होगा बिना स्किप करके तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप में से कोई है फ्रेश हाउस ड्राइवर वो आना चाहता है रियाद के अंदर, तो 1400 सेले पैकेज पर एक फैमिली को जरूरत है फ्रेश हाउस ड्राइवर की, ड्राइवर को 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज देगी वो फैमिली, जिसमें कि खाना 1400 रियाल में अपनी तरफ से रहेगा, तो आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही को डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे ECR एंड ECNR, कैंडिडेट के पास जो है इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है, प्लस ड्राइविंग भी करनी आनी चाहिए। अगर आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको ड्राइविंग आती है और इंडिया का लाइसेंस और वो आने का प्लान कर रहा है रियाद के अंदर, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप अपने नंबर के डिजिट इंग्लिश में मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपका कांटेक्ट वीजा वाले भाई से करा दूंगा, बस सिंपल सा तरीका ही कांटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है जद्दा सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे काम करने वाले भाइयों के लिए। जो भी भाई एयरपोर्ट पे काम करना चाहता है लेबर का, जैसे लोडिंग और अनलोडिंग का, लोडिंग अनलोडिंग करना होगा लगेज का, जैसे कि जो सामान होता है पैसेंजर का उसी सामान को लोड करना और अनलोड करना है। अब इसमें जो है 1200 सऊदी रियाल सेले पैकेज मिलेगा, 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, और ये डिमांड है अल सलामा कंपनी के लिए। अब इसमें खाना आपकी तरफ से है, आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको बचे नहीं बचे वो आपका मैटर, मेरा नहीं, मेरा काम इन्फॉर्मेशन देने का, खलास मेरे पास अपडेट आई मैंने वो बता दिया। रूम बस कंपनी की तरफ से मिलेगा, कैंडिडेट भी वो ही चाहिए जिसकी एज लिमिट 23 से लेकर 38 तक की है। अब इसमें सेले पैकेज कम है ज्यादा है वो मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, अब उनका काम है बताना, कम सेल लिया तो मैं आपसे कहते रहा हूँ आप इस पर आ जाओ खलास। अब नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो डंपर चलाने के लिए आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो अभ्यास सऊदी अरब के लिए डिमांड है डंपर ड्राइवर की, जिसमें की सेले पैकेज मिलेगा 1400 सऊदी रियाल, और 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज की डिमांड और 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी। डिमांड है एक मुआसिस्से में, जिसमें कि 10 घंटे की ड्यूटी आपको करके देनी पड़ेगी, दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे ECR एंड ECNR, रूम मिलेगा इसमें मुआसिस्से की तरफ से क्योंकि मुआसिस्से की ही डिमांड है, लेकिन इसमें कंपलसरी टेस्ट होना जरूरी है। अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो फ्लाइट से पहले अपना टेस्ट करा सके और आना चाहता है सऊदी अरब के अंदर, तो 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज पे आ सकता है, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ इसमें नॉन मुस्लिम ही चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है वाटर टैंकर क्लीनर की, जो जो भाई पानी के टैंकर साफ करने के काम में आना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। सेले पैकेज इसमें रहेगा 1500 प्लस 300, मतलब कि 1800 सऊदी रियाल, अब 1800 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी। दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर सिर्फ 32 तक की, 10 घंटे की पर डे ड्यूटी करनी पड़ेगी, कोई भी भाई अप्लाई कर सकता है, दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे 21 से लेकर 35 तक की एज लिमिट चाहिए। अगर आप में से भी कोई भाई है जो वाटर टैंकर क्लीनर के काम में आना चाहता है सऊदी अरब के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1800 में खाना अपनी तरफ से है, कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, और इसमें रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से। जो जो भाई रसिया में जाना चाहते हैं फैक्ट्री हेल्पर के काम में, तो आप
जा सकते हैं। सेली पैकेज मिलेगा 42,000 इंडियन रुपीज, 42,000 इंडियन रुपीज के साथ साथ इसमें खाना भी कंपनी की तरफ से मिलेगा दोनों तरह का। इसमें पासपोर्ट चल जाएगा, रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से। एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर पूरे 40 तक। तो अगर आप में से है कोई ऐसा कैंडिडेट जो जाना चाहता रसिया में तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट कैसे करना है वीजा वाले भाई से वो मैंने अभी बताया। अगर इतना बताने के बावजूद भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, क्योंकि मेरा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बता रहा हूँ। अब आप उस रेल को समझो या नहीं समझो वो आपका मैटर है। अब एक अपडेट और है लोडिंग और अनलोडिंग की। ये डिमांड है सऊदी अरब के अंदर और कंपनी बनाती है गीजर। गीजर जो होते हैं वॉशरूमों में लगते हैं वो गीजर बनाती है, कूलर बनाती है, और इस कंपनी में इन्हीं चीजों की लोडिंग और अनलोडिंग करनी होगी आपको। 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज रहेगा, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। अब 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना अपनी तरफ से, आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे, ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से। एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 35 तक। अगर आप में से कोई है इंटरेस्टेड तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें जो है वजन 55 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का, ये कंपनी की डिमांड है। नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो दम्माम के अंदर रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो इसमें जो है खाना और रहने का सिस्टम रेस्टोरेंट की तरफ से मिलेगा। जो भाई कहते हैं ना कि आजकल की महंगाई में 800 से 900 रियाल का खर्च होता, तो भाई इसमें 1200 सऊदी रियाल प्लस 800 900 रियाल सेले पैकेज हो गया 2100 सऊदी रियाल। 2100 सऊदी रियाल सेले पैकेज आपको मिलेगा रेस्टोरेंट के काम में। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, बट इसमें कैंडिडेट वही चाहिए जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करना का वेटर का तो उसमें हिंदी वाला कैंडिडेट तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं, अरबी आपको आएगी नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे भाई, आपकी वो लैंग्वेज थोड़ी चलेगी जिस लैंग्वेज से आप आ रहे हैं। अब जो भाई कुवैत में जाना चाहते हैं पेट्रोल पंप पर, तो ये अपडेट आपके लिए है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप लेबर की जरूरत है, जिसमें कि 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ओवर टाइम करें या नहीं करें। इसमें सेले पैकेज मिलेगा 120 कुवैती दिनार प्लस 15 कुवैती दिनार, मतलब कि टोटल 135 कुवैती दिनार मिलेगा। 135 कुवैती दिनार में आप खाना आपकी तरफ से रहेगा, आप कम का खाओ ज्यादा का खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। रूम मिलेगा पेट्रोल पंप की तरफ से। एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 40 तक की। तो आप में से है कोई पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड तो वीजा वाले भाई से कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट कैसे करना वो मैं बताया हूँ अभी वीडियो में। 2000 सऊदी रियाल सेले पैकेज मिलेगा इसमें। अब 2000 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना अपनी तरफ से रहेगा, तो आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। घर में से मिलता है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि डिमांड है भी सऊदी अरब के अंदर हाउस कुक की। लेकिन हाउस कुक को जो है मुगलई खाना, अरबिक खाना और इंडियन कुजीन, ये सारे खाने बनाने आने चाहिए। तो कैंडिडेट की डिमांड है रिटर्न की। अगर आप में से कोई है हाउस कुक रिटर्न और वो आना चाहता सऊदी अरब के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए सिर्फ आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट YouTube के कमेंट सेक्शन में मेरे को इंग्लिश में टाइपिंग करके दे सकते हैं। बस सिंपल सा तरीका है कॉन्टेक्ट करने का। अगर आप में से कोई है AC टेक्नीशियन और आना चाहता है सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी में, तो सेले पैकेज मिलेगा AC टेक्नीशियन को 1800 सऊदी रियाल। अगर आप में से कोई फ्रेश है तो उसको सेले पैकेज मिलेगा 1500 सऊदी रियाल। दोनों कंडीशन में दोनों तरह के पासपोर्ट चल जाएंगे, ECR एंड ECNR। दोनों कंडीशन में ड्यूटी करनी पड़ेगी 10 घंटे की। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा दोनों कंडीशन में अपनी तरफ से। अब आप 1500 में और 1800 रियाल में खाना कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं। मेरा जो काम था रियलिटी दिखाने का, रियलिटी बताने का, रियल इन्फॉर्मेशन बताने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस वाले YouTube चैनल ट्रैवलिंग यासीन को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इस वाली वीडियो को दूसरे दिन Facebook पर देख रहे हैं तो भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है ये अपडेट बाकी है या नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अपना YouTube चैनल ट्रैवलिंग यासीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस सिंपल सा तरीका।